फ्रांस के स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लग गई है। जी हाँ, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मामले में बड़ी राहत मिली। उन्हें हत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया। इमरान को जून में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रजाक शार की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। शार ने इमरान खान के खिलाफ बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें राजद्रोह समेत कई मामले थे, लेकिन फिर 6 जून को कोर्ट जाते समय उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर शार के बेटे ने इमरान के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की थी। चीन के हुनान समेत दूसरे प्रांतों में दो और दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वैसे वहां के कई इलाके पहले से ही भयंकर बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बीच हुनान प्रांत में 3,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। चीन के शांक्षी प्रांत में 25 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। फ्रांस के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगा दी गई। वहां के शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी। अबाया अमूमन मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पहनती हैं। यह अबाया देखने में बुरखे जैसा ही होता है, लेकिन इसमें चेहरा नहीं ढका होता। स्पेन में तेज तूफान और बारिश के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वहां के मालार्का और दूसरे इलाकों में आए इस तूफान से कई पेड़ उखड़ गए, साथ ही कई वाहन इधर उधर गिर गए। इस बारिश के बाद लोग अपने घरों और दुकानों में घुसे पानी को बाहर निकालते नजर आए। लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल की रंगारंग शुरुआत हो गई। इसके पहले दिन अश्वेत समुदाय के बच्चे रंग बिरंगे पोशाक में नजर आए। इस दौरान इन बच्चों ने सड़कों पर मार्च किया। 1959 में अश्वेत समुदाय के लोगों को एकजुट करने के लिए नॉटिंग हिल कार्निवल की शुरुआत हुई थी।